हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल दिबू पहाड़ी ब्लॉग पे। और आज हम आपको दिखाएंगे कार्ड के रेड स्नैपर। ये हैं रीच है हमारे और ये आज आपको दिखाएंगे रेड स्नैपर कार्ड के। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक सर। ये से रेड स्नैपर, ये मच्छा नाम से, ये लाल कलर से ये नाम रेड स्नैपर को दी। ये अलग अलग भागो बची हुई वर्ल्ड, ये जापान में हम एक यूज कर दो सुशी में जापानीज खड़ हूँ कच्चे हनी मछा तो हम काट देंगे। तो अब हम दिखाएंगे कार्ड के आपको रेड स्नैपर। तो वह पहले हम इन्हें प्लेन करो क्या स्केल दिए, ये होम स्केल है इंडियो आप पहले इसको क्लीन करना पड़ता है। इसका जो इसका स्केल होता है बहुत हार्ड होता है, तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा आदत लगती है, तो बहुत केयरफुली क्लीन करना पड़ता है इसको। और सब इसका नाम रेड स्नैपर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रेड स्नैपर है। और ये कहाँ से आता है? ये जापान से। जापान से ना? लोकल भी आती है यहाँ, ओमान में है। अच्छा, ये वाली जो हम यूज करते हैं वो जापान से आती है, तो आने में 7 दिन लगते हैं जापान से यहाँ आने में। 7 दिन जिंदा हो गया मर भी हूँ। अच्छा आता है तो मर जाए। और ये सब है हमारे हरीश सेब, और ये भी हमारे उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा काकड़ी घाट से है ना सब। काकड़ी घाट कोई है अगर काकड़ी घाट से बताना। अभी तुमने हल्द्वानी में रहते हैं। मैं हल्द्वानी में घर बना दिया, अभी इनकी शादी भी होने वाली जल्दी भाई में ब्याह होने वाली थी नर। और ये अभी क्लीन हो चुका है, जो इसके जो भी थारे सारा सब हो चुका है। अब इसको काटेंगे और कैसे काटते हैं ये आपको दिखाया जाएगा। क्या आपने ये मच्छी पहले कभी देखी थी? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। होटल वाले भाई होंगे तो उन्होंने जरूर देखी होगी। सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, अच्छे से ड्राई कर लेंगे, पानी पानी हो रखा है ओके, ताकि ये फिसले ना, और फिसलेगी तो हमारा हाथ कट सकता है क्योंकि नाइफ बहुत ही ज़्यादा तेज है। हम इसको क्लीन कर लेंगे। हम इसका सर यूज नहीं करते हैं, तो हम सर को अलग कर देंगे ताकि हमें इजी रहेगा। बहुत ही हार्ड है इसका मांस, हड्डी जो है ये। मंडी खाओ, मंडी खाओ, देखो ना हाथ में ये। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि सी फूड तो ब्लू चॉपिंग बोर्ड में काटा जाता है, मगर ये तो क्या बोलते हैं दूसरे चॉपिंग बोर्ड में काट रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक कट मार लेंगे ताकि इजी हो पाए, यहाँ से आराम से काटेंगे। दूसरे साइड से काटेंगे सेम वे में। अब यहां से काटूंगा मैं इसको। तो ये है, तो दोस्तों ये डिबोन कर दिया हमने, अलग किया है, अभी फिले किया है, डिबोन करूँगा इसको।
ये ऐसा था, इसका सर ये है और ये है इसका बोन और इसका ये है दूसरा वाला फिलेट। बहुत अच्छी मच्छी है, बहुत फ्रेश है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो रही थी काटने में। मच्छी का हमें यही पता लगता है जब मच्छी फ्रेश होती है तो ये मच्छी बहुत हार्ड लगेगी तुम्हें काटने में। ये ट्रिक है मच्छी का, फिश का, और इसमें क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार क्लीन कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं इसका ये क्लीन करूँगा जो बोन है, देन उसके बाद यूज करूँगा। इसको हम कच्चा ही खाते हैं। ये हो गया रेडी टू गो। अभी बहुत से लोगों का कमेंट आ सकता है कि भाई सी फूड तो ब्लू चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं लेकिन ये तो कुछ और ही चॉपिंग बोर्ड में काट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली सी फूड हम ब्लू चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं, ठीक है। और बाकी जो हम रेडी टू ईट सी फूड होता है जैसे कि सालमन, टूना, हमाची, सिवास और ये रेड स्नैपर, जो भी हम जिसे हम कच्चा ही खाते हैं मतलब, उसे हम इस वाले चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि दीवार में टका हुआ सारा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मतलब ये दुबई की रूल है, बाकी हर जगह अलग अलग हो सकता है। ये कट गया, में इतना पार्ट हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया रेडी और हम इसको अब खाने के लिए, अब हम इसको खा सकते हैं। खाने के लिए तैयार हो गई, अभी खाने के लिए तैयार हो चुकी है मच्छी। इसको हम रोई खाते हैं। और ये रहे यहाँ जो नाइफ जिसमें यूज किया जाता है, तो कृपया ये ना बोलें कि सी फूड आप ब्लू मनी काट रहे हो। आप पढ़ सकते हो कौन सी चीज़ किस में काटते हैं वीडियो पॉज करके। तो आपको कैसे लेके मच्छी और मच्छी काटने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या दोस्तों आपको पहले भी पता था कि मच्छी रेड स्नैपर होती है, एक मच्छी का नाम, और उसको ऐसे काटते हैं करके, और उसको कैसे कितना फ्रेश है करके कैसे पता करें? अगर ऐसे पता था आपको पहले, अगर पता था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।